आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी डेली जॉब अपडेट पर गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीए से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईटी पास आउट छात्रों के लिए फाइनली विद्युत सहायक की 5347 पद यानी कि 5347 पदों पर भर्ती निकल कर आ गई है। बिजली विभाग की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फॉर्म भरना इसके शुरू हो गए हैं। आईटीए पास छात्रों के लिए जो 2024 की भर्ती हैं ये विद्युत विभाग से पहली भर्ती आउट हो गई हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती नहीं होने वाली है। इस वीडियो को हम शॉर्ट में देखेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पर आप नहीं हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, ये जो भर्ती है महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, महावितरण के द्वारा निकाली गई है। परमानेंट सरकारी भर्ती आप लोगों की होने वाली है। इस नोटिफिकेशन को जब मैंने देखा तो ये मराठी में था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो महाराष्ट्र राज्य से आप लोगों की 10वीं या 10+2 की हुई होनी चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई तो इन्होंने मांगा ही है, लेकिन जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं वही छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। भर्ती पूरी 5347 पदों पर आप लोगों की निकाली गई है। ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है लेकिन मैं इस पर पूरे पर वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि हमारे ऑल स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल इसके लिए नहीं है। हमारे चैनल पर महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के कैंडिडेट, कई सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को जॉब अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस देखिएगा, मैंने जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मराठी लैंग्वेज से तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़िलहाल आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअली 3 साल के लिए रखा जाएगा। देन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर 3 साल रखा जाएगा। द सेड कैंडिडेट विल बी अकमेंडेड इन द रेगुलर पोस्ट। इसके बाद आप लोगों का अगर बिहेवियर अच्छा रहता है, जो भी कैंडिडेट 3 साल तक वहाँ पर रेगुलर काम करते हैं उनको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पोस्ट पर, टेक्नीशियन की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी भर्ती दे दी जाएगी, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ पर जो मांगा गया है वो मांगा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10+2 आप लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट से किया हुआ होना चाहिए तो ही आप लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर आईटीआई मांगा है। जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई वाले और वायरमैन ट्रेड से आईटीआई वाले, एक तो हो गया हमारा वायरमैन ट्रेड से और एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, इन दोनों ट्रेड से जो छात्र पास आउट हैं वो छात्र एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं और जनवरी जनवरी तक पूरे महीने इसके फॉर्म आप लोगों के चलने वाले हैं। जो भी छात्र एलिजिबल हैं, जो हमारा महाराष्ट्र से छात्र हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, आप लोगों को पता है कि मैं 2 से 3 वीडियो पक्के प्रूफ के साथ 100% रियल जॉब अपडेट हमेशा लेकर आता हूं सबसे पहले हमारे चैनल पर, तो वो जैसे ही आएंगी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो फॉर्म भरना है इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि जो छात्र एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म फिल कर देंगे। और अब देख लो 2024 में जो भर्तियाँ निकल रही हैं उनमें एज लिमिट भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी ली जा रही हैं। 18 साल से 27 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, फिर एज रिलैक्सेशन आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। बाबे दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।